ह्यूमैनिटेरियन एड तो भारत अफगानिस्तान को चाबहार पोर्ट के रास्ते ईरान से होते हुए भी दिया करता था, जब वहाँ पर एक लोकतांत्रिक सरकार हुआ करती थी। लेकिन अब तालिबान रूल आने के बाद जो वहाँ पर फूड क्राइसिस चल रहा है, आज की डेट में क्योस फैल रहा है, इसी बीच भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब और मोदी सरकार ने सोचा है कि हम तालिबान और अफगानिस्तान के लोगों की मदद तो करेंगे, लेकिन जो ह्यूमैनिटेरियन एड, गेहूं और मेडिकल सप्लाईज हम अफगानिस्तान के लोगों के लिए भेजेंगे वो पाकिस्तान के रास्ते होते हुए अफगानिस्तान जाएगी, ना कि सी रूट और चाबहार पोर्ट के रास्ते। ये चीज भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी के गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ खास पर्पस से की थी। पाकिस्तान, जो स्टार्टिंग में इसके लिए सपोर्टिंग नहीं लग रहा था, उसने तालिबान लीडर्स के प्रेशर के बाद अफगानिस्तान तक ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाने के लिए भारत को अपनी धरती यानी लैंड रूट का इस्तेमाल करने की परमिशन दे दी थी। लेकिन इस चीज की घोषणा के कई दिनों के बाद भी भारत से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस आज भी अफगानिस्तान के लिए रवाना नहीं हुई है। भारत ने पाकिस्तान से एक्सेस मांगा था 7 अक्टूबर को, जिसके ऊपर पाकिस्तान का आधिकारिक रिस्पांस आया 24 नवंबर को। पाकिस्तान ने भारत को अफगानिस्तान तक ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाने की परमिशन तो दे दी है, लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि उसने उसके साथ कई सारी डिमांड्स और अजीबोगरीब शर्तें भी रखी हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान ने जो भारत को ह्यूमैनिटेरियन एड पास करने की जो परमिशन दी है उसमें भी कई सारी डिमांड्स हैं। रिपोर्ट्स ये निकल कर आ रही हैं कि भारत ने जो 50,000 टन गेहूं अफगानिस्तान को भेजना है, पाकिस्तान चाहता है कि ये सारा गेहूं पाकिस्तान के ट्रक्स की मदद से अफगानिस्तान जाए, यानी पाकिस्तान चाहता है कि ये गेहूं अट्टारी वाघा बॉर्डर तक इंडियन ट्रक्स लेकर जाए, उसके बाद वहां से ये गेहूं भारतीय ट्रक से अनलोड होकर पाकिस्तान के ट्रक्स में लोड किया जाए और फिर वहां से आगे पाकिस्तानी असिस्टेंस अफगानिस्तान को खुद के ट्रक्स में पहुंचाकर देना चाहता है। लेकिन भारत पाकिस्तान की ये शर्त बिल्कुल भी मानने के लिए रेडी नहीं है। भारत चाहता है कि भारत अफगानिस्तान को जो भी गेहूं और मेडिकल सप्लाईज भेजना चाहता है वो सारी की सारी इंडियन ट्रक्स में ही पाकिस्तान के लैंड रूट से होते हुए अफगानिस्तान पहुंचे और ये असिस्टेंस हम खुद ही अफगानिस्तान की अथॉरिटीज तक पहुंचाएं, उनको हैंडओवर करें। बीच में पाकिस्तान की कोई भी इन्वॉल्वमेंट या पाकिस्तान का कोई भी रोल नहीं होना चाहिए। भारत को बस पाकिस्तान के रोड्स का एक्सेस चाहिए जो पाकिस्तान हमको दे दे। अपने ट्रक्स का इस्तेमाल करना तो चलो समझ आता भी है, पाकिस्तान 8-10,000 टन गेहूं टांका मारने की फिराक में होगा, लेकिन पाकिस्तान की डिमांड्स बस यहीं तक नहीं है। पाकिस्तान इसके साथ चाहता है कि भारत का गेहूं अफगानिस्तान तक पहुंचाने के लिए भारत पाकिस्तान को कुछ अमाउंट भी पे करे, यानी क्योंकि भारत पाकिस्तान के रोड्स का इस्तेमाल कर रहा है, पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल कर रहा है, उसके लिए भारत पाकिस्तान को पे करे। लेकिन दूसरी तरफ भारत अपने ट्रक्स में जो भी सामान अफगानिस्तान भेज रहा है, क्योंकि ये ह्यूमैनिटेरियन एड है जो हम अफगानिस्तान को बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं, जिससे भारतीय सरकार को कोई भी कमाई नहीं होने वाली है, इसलिए भारतीय सरकार पाकिस्तान को कोई भी चार्जेस पे करना नहीं चाहती है। भारत चाहता है कि पाकिस्तान बिल्कुल फ्री में ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस अफगानिस्तान पहुंचाने दे, वो भी इंडियन ट्रक्स में। भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन अरिंदम बागची ने रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कर दिया था कि अफगानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन एड भेजने के लिए भारत पाकिस्तान की एक भी कंडीशन मानने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होगा। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि क्या हमें अपना गेहूं पाकिस्तान के हवाले करके पाकिस्तानी ट्रक्स में अफगानिस्तान भेजने देना चाहिए या फिर इंडियन ट्रक्स में? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।